चर्चा का मुख्य विषय अमरीकी जल व्यवस्था से संबंधित है। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच मौजूद है यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की एडमिनिस्ट्रेटर गीना मैकर्थी। मैम, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी न्यू जर्सी के कमिश्नर स्टीवन डोंगर का शो में स्वागत करती हूँ। अब मैं पीटर लॉकरी जी का स्वागत करती हूँ, जो कि केयर के डायरेक्टर, वो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम वॉश के एडवोकेट है। पीटर जी, शो में आपका स्वागत है। अब मैं न्यू जर्सी वाटर रीयूज प्रोग्राम के टास्क हेड मिस्टर रॉबर्ट केल्विन का स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। सबसे पहले हमारे दर्शक मैम गीना से अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा उठाए जा रहे देश में वाटर सप्लाई को लेकर कार्यों के विषय में जानना चाहेंगे। जी, हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए हम सभी राज्य सरकारों को धन उपलब्ध करवाते हैं, ताकि अमेरिका में पीने के पानी की गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता बनी रहे। धन्यवाद मिस्टर डोंगर। आप यूएस ईपीए के वाटर डिपार्टमेंट द्वारा किए गए कार्यों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी बेटा, देखिए यूएसईपीए के प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं। इसके प्रयास से ही अमेरिका में जल वितरण व शुद्धिकरण व्यवस्था इतनी व्यवस्थित हुई है। परंतु न्यू जर्सी स्टेट ईपीए का प्रतिनिधि होने के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि पानी के कम होते स्रोत व बढ़ती रसायन की मात्रा एक चिंता का विषय है। इसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद सर। मिस्टर लॉकरे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका में भूमिगत जल स्रोतों में रसायनों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है? जी, मैं मिस्टर डोंगर की बात से सहमत हूँ। अमेरिकी कृषि में बढ़ता जा रहा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग व नए नए रिसर्च प्रोग्रामों ने केमिकल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अतः यही केमिकल्स भूमिगत जल में शामिल होकर पीने की पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यूएस ईपीए को इस संदर्भ में नई नीतियाँ बनानी होगी। मैम, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगी? जी जरूर। इस संदर्भ में हमारी एजेंसी का प्रयास जारी है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसके नतीजे आएंगे। इस बातचीत का आखिरी सवाल मैं वाटर रीयूज प्रोग्राम के टास्क हेड मिस्टर रॉबर्ट केल्विन से पूछना चाहूंगी। मिस्टर केल्विन, क्या अमेरिका में पानी की बर्बादी को रोकने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है? जी बेटा, अच्छा सवाल है। आधुनिक तकनीकों ने जहाँ पीने की पानी की पहुँच हर पल आसान बनाई है, तो दूसरी ओर उसकी बर्बादी को भी बढ़ावा दिया है। पर मैं आप सब लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि पीने के पानी हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है जिससे पीने के पानी की बर्बादी कम से कम हो। धन्यवाद सर। अंत में मैं अपनी सभी दर्शकगण व अतिथिगणों का धन्यवाद देना चाहूँगी। अब आपके सामने प्रस्तुत है न्यू जर्सी न्यूज की वाटर रिसर्च टीम की पेशकश। आपके सामने प्रस्तुत है 30 जुलाई 2013 को हॉवर्ड लॉ स्कूल में दिए गए यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की हेड गीना मैकर्थी के जल सुरक्षा संबंधी भाषण के कुछ अंश। यूएस ईपीए पूरे अमेरिका के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है, अतः जल स्रोतों में मिलने वाले विभिन्न रसायनों व रंगों की मात्रा व उनसे होने वाले नुकसान यूएस ईपीए के लिए चिंता का विषय है। हम हमेशा अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका के लिए आगे बढ़ते रहें। आइए, एक विकसित देश होने के नाते देश का हर नागरिक खुद से ये वादा करे कि वह जल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और संपूर्ण विश्व के हित को केंद्र में रखकर पानी का उपयोग करेगा। धन्यवाद।